अक्सर त्योहार आते ही प्रशासन सजग हो जाता है, साथ ही दुकानदारों और विभिन्न खाद्य पदार्थों के सरगनाओं के आफत की बारी आ जाती है। तरह तरह की जांच पड़ताल शुरू होने के साथ ही आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता भी प्रशासन को सताने लगती है। आगामी होली के त्योहार को देखते हुए पाली जिला मुख्यालय पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पाली में आ रहे एक वाहन से मावे पर कार्रवाई की गई। आज सवेरे जोधपुर से पाली की ओर आ रही बस को रोककर उसमें आ रहे मावे के 240 सैंपल लिए गए। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी विकास मारवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े इसलिए अभियान शुरू किया गया। अब विभाग की ओर से दुकानों पर बन रही मिठाइयों व विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जाएंगे। जिला कलेक्टर के निर्देश से जिला मुख्यालय सहित जिले भर में आज यह अभियान भी चलाया जा रहा है। जो होली का त्यौहार आ रहा है तो सभी मिठाई की दुकानों पे कार्रवाई करने के हमें निर्देश थे, और जिस तरह से मावा यहाँ पे बाहर से आता है हम उस मावे की जांच कर रहे हैं। आज हमने 240 किलो मावे के सैंपल लिए हैं और 90 किलो हमने केसर बाटी और रसगुल्ले हैं उनके सैंपल लिए हैं। कुल मिला के हमने 22 सैंपल लिए हैं जिसमें 16 मावे के सैंपल हैं। उनके ऑन स्पॉट हम फूड टेस्टिंग वैन है हमारे पास, इससे हम जांच कर रहे हैं, और जो जोधपुर हमारी लैब है उसमें भी हमने सैंपल को भेजा है। रिपोर्ट आने पर हाँ हिसाब से लगाई है।